हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो बच्चे आज करेंगे क्लास प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर फर्स्ट का ठीक है दैट इज नोन एज प्रोपिगेशन बाई प्लांट टिश्यू कल्चर विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपिगेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जब आप बी एस सी एमएससी में जाओगे तो आप वहाँ पर आप माइक्रोप्रॉपिगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर पक्का करोगे ठीक है जी सो लेट स्टार्ट विद दिस टिकट इज नोन एज माइक्रो प्रोपिगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर तो बच्चा उसके नेम से ही इंडिकेट है प्लांट टिश्यू कल्चर मीन्स उसके नेम से ही इंडिकेट है मीन्स प्लांट के टिश्यू की हेल्प से हम एक नया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं नए प्लांट को बना सकते हैं ठीक है तो हमने सबसे पहले ये किया था ना कि एक तो नेचुरल मेथड्स की एक आर्टिफिशियल मेथड्स की आर्टिफिशियल मेथड्स में हमने जैसे कटिंग की ग्राफ्टिंग की ठीक है जी एयर लेयरिंग की या कुछ भी किया हमने तो हमने एक न्यू प्लांट को बनाया लेकिन वो तो हमने बॉडी के पार्ट्स लिए जैसे रूट ले, ले लिया स्टेम ले लिया लीफ ले लिया तो उसकी वजह से उसकी हेल्प से हमने एक नए नए प्लांट की फॉर्मेशन की लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर माइक्रो माइक्रोप्रोपिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे कोई भी प्लांट का हम सेल भी ले सकते हैं उसका टिश्यू भी ले सकते हैं ठीक है सेल और टिश्यू की हेल्प से हम एक नए प्लांट को बना सकते हैं बट हाउ सबसे पहले हमने क्या करना है टेस्ट ट्यूब लेनी है तो मैंने एक फर्दर टेस्ट ट्यूब ले ली ये वाली टेस्ट ट्यूब ले ली ठीक है तो क्या किया मैंने उसके अंदर मैंने एक सेल डाल दिया ठीक है प्लांट का तो डेफिनेटली एक टेस्ट ट्यूब में एक सेल डालूंगी वो तो ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे इसके जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो डाले जैसे यहाँ पर लिखे अगर मीडियम होएगा मीडियम डाला ये ये सारा सारा का मीडियम है ये वाला ठीक है तो न्यूट्रन मीडियम डाला उसके अंदर मैंने अगर भी डाला ये आप पक्का लिखोगे अगर क्या जो फंक्शन है बच्चा वो चीज को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है तो उसके बाद मैंने क्या किया उसको कॉटन की हेल्प से मैंने उसको बांध दिया मींस कवर कर दिया ठीक है जी तो उसके बाद हमने क्या दिखा जो सेल को डाला था वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा ग्रो होकर वो क्या बनाएगा कैलस कैलस वन मार्क में डेफिनेशन भी आती कैलस मास ऑफ सेल्स अब देखो ये जैसे थोड़े थोड़े सेल्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे तो जब कैलस बन गया कैलस के बाद किसकी फॉर्मेशन होएगी एम्ब्रॉयड्स की एम्ब्रॉयड्स अभी ये देखो ये एम्ब्रॉयड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो एम्ब्रॉयड के बाद क्या बनेगा प्लाटलेट्स मीन्स आप देखोगे थोड़े थोड़े रूट्स और थोड़े थोड़े स्टेम निकलनी स्टार्ट हो जाएगी अब बच्चे सभी को पता है कि एक छोटी से टेस्ट ट्यूब में एक प्लांट को ग्रो तो नहीं कर सकते लेकिन जब हमने देख लिया कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांटलेट्स बन गए ये वाली चीज बन गई तो हमने क्या करना इस टेस्ट ट्यूब से हमें प्लांट को बाहर निकालना है और नेक्स्ट पॉट में कोई भी पॉट में अंदर डाल देना इट विल ग्रो इन अ न्यू प्लांट तो बहुत ही इजी है कैसे हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसके हम अंदर क्या करेंगे कोई भी प्लांट का हम सेल या टिश्यू डाल देंगे लेकिन इसको नरिशमेंट करने के लिए हम उसके अंदर न्यूट्रेन मीडियम भी डालेंगे उसके अंदर हम अगर भी डालेंगे ठीक है सारे के सारा चीज़ें डालकर जो भी इसको नरिशमेंट चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए अगर चाहिए कुछ भी चीज़ें चाहिए वो हमने इसके अंदर डाल दी ठीक है टेम्परेचर वगैरह इसको सेट कर दिया उसके बाद इसको कॉटन से कवर कर दिया तो आफ्टर दैट किसकी फॉर्मेशन होगी कैलस की कैलस मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी एम्प्रॉयड्स की तो एम्प्रॉयड्स के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी प्लानलेट्स की तो जब आपने देख लिया कि प्लानलेट्स बन गए तो फिर आप क्या करोगे टेस्ट ट्यूब से निकालकर पॉट में डालोगे इट विल एबल टू ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट ठीक है तो अब आप देखो लिखा है ना यहाँ पर दिस मैथड इंक्लूड प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स बाय कल्चरिंग हमने किसकी कल्चरिंग करनी किसको ग्रो करना है सेल्स को टिश्यू को ऑर्गन मीन्स उसके पार्ट को दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर सबसे पहले इनिशियली हम क्या करेंगे कल्चरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज कैलस सबसे पहले क्या बनेगा कैलस बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा एम्ब्रॉइड्स एम्ब्रॉइड्स के बाद क्या बनेगा प्लांटलेट्स बनेगा तो जब प्लांटलेट्स बन गए तो हमने प्लांटलेट्स को बाहर निकालना है उसको ट्रांसफर कर देना कहां पर सेपरेट पॉट्स में या नर्सरी बेड्स में टू टेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट तो बच्चे माइक्रो माइक्रोप्रोपिगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत ही एक बोल सकते फायदेमंद मेथड है क्योंकि इस इस मेथड की हेल्प से हम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट बना सकते जैसे वायरस फ्री प्लांट वो वाले प्लांट जिसमें वायरस ना हो वो वाले प्लांट जिसमें डिसीज ना लगी हो तो बच्चे आप एग्जाम्पल भी देखो, जैसे आप लिख देना ठीक है कि इस प्लांट में हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं सो दिस मेथड इज आल्सो फॉर द क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट कि हम बहुत ही जल्दी से बहुत ही तेज मेथड से हम इसको प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ मैन मेड ये मैन की हेल्प से होता है ये कोई नेचुरल मैथड नहीं है ठीक है सो so, बच्चे ये क्या हमने किया आज प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर मीन्स हमने टिश्यू की सेल की या उसके ऑर्गन की कल्चरिंग करनी है जिसकी वजह से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं लेकिन सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है कैलस की जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो ठीक है ये देखो ये कैलस सबसे पहले कैलस बनेगा फिर एम्ब्रॉयड्स बनेगा और फिर प्लानलेट्स बनेगा प्लानलेट्स को हमने कहां पर किसी और पॉट में डाल दिया तो इट विल ग्रो इन अ New plant. So now this is the end of the math. Thank you.